गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज मैं आप लोगों के लिए 5th चैप्टर लेकर आया हूं और उस चैप्टर का नाम है इंडियन हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक्चुअली यदि हम इंडियन हेरिटेज की बात करें, भारतीय परंपराओं की बात करें, तो इसमें आपका ये जो चैप्टर है ये भी जुड़ जाता है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस की यदि यहाँ पर बात आती है तो साइंस का यहाँ पे मीनिंग है सिस्टमैटिक नॉलेज। साइंस आपका क्या है, एक तरीके से ये होता है आपका सिस्टमैटिक नॉलेज। अब दूसरा शब्द यहाँ पे और जुड़ जाता है टेक्नोलॉजी। तो एक्चुअली यदि हम टेक्नोलॉजी का यहाँ पे वर्ड फाइंड आउट करें तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाता है प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज। यदि हम बात करें फिर से एक बार साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो एक्चुअली जैसा कि हमने आपको बताया साइंस क्या है, एक तरीके से सिस्टमैटिक नॉलेज होती है किसी भी चीज़ के बारे में। यदि हम सिस्टमैटिक तरीके से मतलब एक वे में कोई नॉलेज गेन करते हैं तो वो आपका साइंस कहलाता है। बट नॉलेज टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है आपका सिस्टमैटिक नॉलेज तो ये होती ही है, साथ में इसमें क्या होता है प्रैक्टिकल यूटिलिटी जुड़ जाती है। मतलब प्रैक्टिकल करने के बाद हमें जो यूटिलिटी प्रदान होती है, यूटिलिटी का यहाँ पे मतलब है कि जो हमारी जो हमें प्रदान होता है, यूटिलिटी मतलब हमें जो कुछ प्रदान होता है या हमें जिससे खुशी मिलती है, या हम कह सकते हैं उस जो प्रैक्टिकल हमने जो नॉलेज पाई, उस नॉलेज का जो हमने प्रैक्टिकल किया उससे हमें क्या मिला, मतलब एक तरीके से आउटपुट हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है आपका टेक्नोलॉजी। मतलब प्रैक्टिकल यूटिलिटी हमें जब प्राप्त होती है सिस्टमेटिक तरीके से तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। तो साइंस क्या एक तरीके से एक सिस्टमेटिक यूटिलिटी ऑफ द नॉलेज है। यदि हम सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी नॉलेज को प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारी क्या टेक्नोलॉजी हो जाती है। एक्चुअली साइंस विदाउट साइंस हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें साइंस पे क्या करना पड़ता है, हमें बहुत से रिसर्च करने पड़ते हैं, बहुत से चीज़ों को समझना पड़ता है, और जब साइंस में हम एक कदम आगे बढ़ जाते हैं तो फिर हमें टेक्नोलॉजी मिलती है। मतलब हम उस साइंस को इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल इस्तेमाल करने के बाद जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो हमारा टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। जैसे हमने एक डायनामो के बारे में पढ़ा, साइंटिफिकली हमने ये पढ़ा कि डायनामो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, लेकिन जब हमने डायनामो बना करके हमने उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लिया, सप्लाई कर लिया, तो वो हमारा प्रैक्टिकल यूटिलिटी हो गया। तो यहाँ पे दोनों शब्दों में डिफरेंस है, बट एक्चुअली यदि हम बात करें तो दे आर द लिंक टू ईच अदर, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विदाउट नॉलेज के साइंस नहीं और बिना साइंस के नॉलेज नहीं। तो गाइस अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि हम ये देखते हैं कि किस तरीके से फील्ड ऑफ साइंस के अंतर्गत इंडिया में क्या हेरिटेज हुई, कौन कौन से बदलाव हुए या कौन कौन से इन्वेंशन हुए और किन लोगों के द्वारा इनको किया गया। तो गाइस लिसन, इंडियन हेरिटेज इन द फील्ड ऑफ साइंस, यदि हम इंडियन हेरिटेज की बात करें साइंस के अंतर्गत तो इसमें हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई समझ में आती हैं, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट नज़र आते हैं जिनका अध्ययन कर सकते हैं, या हमारी जो एंशिएंट इंडिया थी उनमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिनका पूरी तरीके से अध्ययन किया जाता था, है ना, या फिर उनको एक तरीके से हमारे इंडियन जो पीपल थे जो
एक तरीके से हमारी जो ओल्डेस्ट जो जनरेशन्स थी उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया था। तो ऐसे बहुत से सब्जेक्ट थे जिनको हम एक तरीके से एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत देख सकते हैं या हम समझ सकते हैं, जैसे मेटलॉजी। मेटालॉजी यदि हम इसकी बात करें तो ये भी एक तरीके से हमारा साइंस से संबंधित है, मतलब धातुओं के विज्ञान से संबंधित एक तरीके से। ये जो इसमें भी हमारे इंडिया में काफ़ी डेवलपमेंट हुए थे, धातुओं से संबंधित भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। दूसरा यदि हम इसी में बात करें तो आ जाता हमारा केमिस्ट्री। दूसरा हमारा क्या आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है। तीसरा आपका साइंस और मेडिसिन के बारे में भी, साइंस। फोर्थ आपका मेडिसिन। देखो गाइस, मेटलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर साइंस, फिर आपका मेडिसिन, इसके बाद आ जाता है सर्जरी से लेकर के मैथमेटिक्स। सर्जरी, फिर आपका मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद और भी ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको हम एक तरीके से हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत जोड़ देते हैं, जैसे कि आपका आ जाता है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी भी इन सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। एक और इसमें आप जोड़ सकते हो, जैसे कि आपका आ जाता है वास्तुशास्त्र। फिर आपका लास्ट है आपका फिजिक्स। यदि हम इन सब्जेक्ट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत इन सब्जेक्ट को क्या किया जाता था, टीचिंग किया जाता था, या हम कह सकते हैं ये जो सब्जेक्ट थे इनमें हमने बहुत बड़ा योगदान दिया था एज ए टेक्नोलॉजी और एज ए साइंस। हमने इनके माध्यम से बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको डेवलप किया था, या इन चीज़ों के बारे में जो हमारी सिविलाइजेशन रही है उसने एक महत्व दिया था, या उस सिविलाइजेशन के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत इन सभी सब्जेक्ट का अध्ययन किया जाता था, और साथ में इससे संबंधित हमें बहुत सी नॉलेज मिलती है जो हमें ये दर्शाती हैं कि एंशिएंट इंडियन पीपल्स जो थे या स्कॉलर्स जो थे, जो विद्वान थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और वर्ल्ड लेवल पर हमारी जो इंडिया की जो पहचान है, इसकी जो प्रेसेंसिटी है, एक तरीके से उसको रखने का कार्य किया। हमारे लिए प्राउड का माध्यम बने, हमारे लिए गर्व का माध्यम बने गाइस। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों में भारतीय लोगों ने अध्ययन किया या इन्हीं चीज़ों में इंडियन पर्सन के द्वारा जो है डेवलपमेंट किया गया। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें थी, जैसे कि लिटरेचर था आपका, रिलीजियस था, साथ में लिटरेचर रिलीजियस के साथ साथ एजुकेशन थी आपकी, फिलॉसफी थी, इनमें भी जो है हमारे स्कॉलर्स के द्वारा जो है बहुत बड़ा प्राउड करने का हमें मौका दिया गया। जैसे कि आपके लिटरेचर, दूसरा आपका रिलीजियस, जैसे कि आपका लिटरेचर, लिटरेचर के साथ साथ एजुकेशन, लिटरेचर के साथ साथ एजुकेशन, एजुकेशन के साथ साथ एकदम रिलीजियस और आपका फिलॉसफी। रिलीजियस एंड फिलॉसफी, ये क्या था एक्चुअली। यदि हम ज़्यादातर बात करते हैं, जो भी हमारे विद्वान रहे हैं, जो फिलॉसफर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर लिटरेचर भी डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन भी
हाई लेवल पे पहुंचा, साथ में रिलीजियस धार्मिक रूप से भी आज भी स्पिरिचुअल वे में भी इंडियन जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत आगे हैं। फिर आपका फिलॉसफी की बात करें तो इसमें भी मनोचिकित्सक या मनोविज्ञान के रूप में भी हमारे जो इंडियन पर्सन है बहुत डेवलपमेंट किए, या एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत इन्होंने भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया। लेकिन एक्चुअल रूप से देखा जाए तो इन सब के साथ साथ हमारे यहाँ मेटलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस, मेडिसिन, सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के साथ साथ फिजिक्स में भी बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा जो है हमारे स्कॉलर्स के द्वारा योगदान रहा, या हमारे जो एक तरीके से हम कह सकते हैं एम्परर जो रहे हैं उन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना एक बड़ा योगदान दिया है। तो गाइस सबसे पहले हम इसमें जो हम जानने की कोशिश करते हैं वो है हमारा कौन सा मेटलर्जी, किसके बारे में मेटलर्जी। सबसे पहले हम जानते हैं मेटलर्जी के बारे में। फर्स्ट आपका हम धातु से संबंधित जानकारी की बात करते हैं, धातु विज्ञान से संबंधित बात करते हैं, या हम कह सकते हैं कि धातुओं के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि इंडियन जो विद्वान थे या एक तरीके से इंडियन जो मतलब साइंटिस्ट रहे थे ओल्डेस्ट, उन्होंने इसमें बड़ा योगदान कैसे दिया। एक्चुअली यदि हम स्तूप और बुद्धा, स्तूप ऑफ बुद्धा की बात करें जो कि एक तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर विद्यमान है या वहाँ पर पाया गया है, स्तूप ऑफ बुद्धा जो कि किसका कुषाण काल का है, नालंदा नहीं सॉरी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जो पाया गया है जो कि कुषाण टाइम है, वो हमें धातु विज्ञान के रूप में पूरी दुनिया को अवगत कराता है। ये बताने का कार्य करता है कि उस समय वर्ल्ड लेवल पे कहीं ना कहीं हमारा अपना नाम भी था, हमारी इंडिया की जो एक तरीके से हेरिटेज है ये गर्व करने की योग्य है। कौन सी? ये एक तरीके से कुषाण बुद्धा मतलब स्टैचू ऑफ बुद्धा। ये एक तरीके से कहाँ पे? कुषाण टाइम में। उस समय किसकी डायनेस्टी थी? कुषाण। कुषाण पीरियड कहाँ पर? तक्षशिला। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो स्टैचू ऑफ बुद्धा जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में मिला उससे ये साबित हुआ कि हम इंडियंस जो है कहीं ना कहीं धातु विज्ञान के बारे में बहुत पहले से जानते हैं, या हमें धातु विज्ञान के मामले में गर्व करने का मौका दिया वो भी किसके द्वारा? स्टैचू ऑफ बुद्धा के द्वारा, जो कि कुषाण पीरियड का एक नायाब नमूना है और ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी में मिला था या इसकी पहचान की गई। दूसरा आपका चोल पीरियड में एक मेटल आइडल जो बनाए गए थे उनसे भी ये पता चलता है कि हमारी साइंस कितनी आगे थी। चोल पीरियड में क्या बनाया गया था? मेटल आइडल। मेटल आइडल का यहाँ तात्पर्य है एक तरीके से मूर्तियाँ। आइडल मतलब एक तरीके से जो मूर्तियाँ हैं, या एक तरीके से कह सकते हो प्रतिमा। चोल टाइम में बनाई गई जो प्रतिमाएं हैं उनसे भी हमें एक तरीके से गर्व करने का या प्राउड करने का मौका मिलता है, या हमें अपनी जो एंशिएंट इंडियन हेरिटेज है उसको समझने का मौका मिलता है, या वर्ल्ड जो हेरिटेज है उसमें जब हमारी जो हेरिटेज है उसको शामिल करने का मौका मिलता है हमें। इससे ये पता चलता है कि हमारी जो मेटलर्जी थी मतलब उस समय भी हम कितने डेवलप थे या कितने विकसित थे। तो ये हमें दूसरा उदाहरण कहाँ से देखने को मिलता है? चोल पीरियड से, जिन्होंने मेटल आइडल्स को बनाकर ये दिखा दिया कि हम दुनिया से कहीं ना कहीं पीछे नहीं थे बल्कि कैसे थे, आगे थे या बराबर थे। फिर स्टैचू ऑफ नटराज जो कि आपको मास्टरपीस है, जो चेन्नई में आज भी आपको म्यूजियम में देखने को मिल जाएगा। थर्ड एग्जांपल आपका कौन सा है? स्टैचू ऑफ नटराज। जो कि क्या है? एक तरीके से स्कल्पचर का
ये क्या है, मास्टरपीस है। मास्टरपीस है और ये क्या है, एक तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, और कहीं ना कहीं ये जो है पूरे विश्व के लिए क्या है, एक नायाब नमूना है। क्या चीज़, स्टैचू ऑफ नटराज। कौन सा बात कर रहे हैं, स्टैचू ऑफ नटराज की बात कर रहे हैं। ये वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए स्कल्पचर के मायने में एक मास्टरपीस है। पूरा वर्ल्ड इसको जो है कहीं ना कहीं इसके पे रिसर्च करता है, जानने की कोशिश करता है, इससे ये पता करता है कि इंडियंस की जो एक तरीके से उस समय की जो स्कल्पचर की जो आर्ट थी वो कितनी डेवलप थी, ये यहाँ से पता चलता है। फिर आपका रामा द आर्चर द सीन इन म्यूजियम, आप म्यूजियम में रामा द आर्चर मतलब राम की जो है धनुष वाली जो एक तरीके से जो स्कल्पचर है उसको देखकर भी ये पता चलता है कि हम भारतीयों के अंदर कला के रूप में कितनी एक तरीके से विकासशीलता थी। रामदा आर्चर के जो स्टैचू देखने के बाद, कौन सा, रामदा आर्चर। गाइस ये भी आप देखोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो ये थे एक तरीके से जिससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं, यह एक तरीके से। दूसरा और हम देखते हैं, आर्टिसियन के रूप में गॉड थे, गॉडेसेस थे, इनकी जो स्कल्पचर बनाई गई थी ओल्डेस्ट टाइम में, वो भी कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को एक तरीके से आगे ले जाने का या दिखाने का एक मौका प्रदान करते हैं। कौन से, गॉड और गॉडेसेस के रूप में, आप गॉड और गॉडेसेस के रूप में देखेंगे। के रूप में देखोगे तो ये भी क्या है, स्कल्पचर हैं इनके। आपको मैनी स्कल्पचर यू हैव फाउंड इन सो मैनी प्लेसेस, आप इनके कई स्कल्पचर कई स्थानों पर पा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें गर्व करने का मौका देते हैं गाइस। तो ये था हमारा एक तरीके से क्या, मेटलॉजी। यदि हम धातु से संबंधित विज्ञान की बात करें या धातु से संबंधित अपने डेवलपमेंट की बात करें, तो इंडियन जो एक तरीके से हेरिटेज है वो कहीं ना कहीं भरा पड़ा है इन चीज़ों से। साथ में हमें और भी कई ऐसी जानकारी मिलती हैं, या कई ऐसे मतलब जो है हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमें ये मौका प्रदान करते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज में हम इंडियन जो एक तरीके से आपका मेटलॉजी है, आप उसको देखकर अपने आप को कैसा महसूस करेंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे, आपको खुद से कैसा बेटर फील होगा, आपको लगेगा कि हम इंडियन जो थे वो भी कहीं ना कहीं पूरे विश्व से कैसे कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे उस समय, या हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारी जो सिविलाइजेशन थी पूरे वर्ल्ड से कहीं ना कहीं एक कदम आगे थी। हमने जो आज साइंस के तरीके से, आज टेक्नोलॉजिकल जो वे में आज जो हो रहा है, हम उसे बहुत पहले कर चुके थे गाइस। तो ये था हमारा क्या, सबसे पहला मेटलॉजी। अब दूसरा हम आपको बताते हैं केमिस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा था द फील्ड ऑफ मेटलॉजी। गाइस द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री की बात करें, सेकंड आपका केमिस्ट्री, यदि हम इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो ये एक तरीके से क्या है, हमारी एक्सपेरिमेंटल साइंस होती है। केमिस्ट्री क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल साइंस। यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। जितने हम इसमें क्या करें, एक्सपेरिमेंट कर देंगे, जितनी हम इसमें जो है कोर्सें करते रहेंगे, ये डेवलपमेंट करती रहेगी। तो एक्सपेरिमेंटल साइंस की अगर हम बात करें तो एक तरीके दिस साइंस यूजफुल फॉर द वेरियस मिनरल्स एंड प्लांट्स सीड्स फॉर द एग्रीकल्चर मेकिंग ऑफ द वेरियस मेटल्स टू द ब्रिंग चेंज इन द एम एट आल्सो यूजफुल टू द मेकिंग मेडिसिन। यदि हम इस साइंस की बात करें तो इस साइंस के द्वारा हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का, बहुत सी चीज़ों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, जैसे मिनरल्स, साथ में आपके प्लांट्स, तीसरा आपका सीड्स, सीड्स के साथ साथ एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनमें ला सकते हैं चेंजेस, साथ में जो वेरियस जो मेटल होते हैं उनको जो बनाने की कला है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। किसके सहायता से, केमिस्ट्री की सहायता से। किसकी सहायता से, केमिस्ट्री की सहायता से। गाइस ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है।
क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। तो हम फिर से एक बार देखते हैं किस चीज़ों में इनमें जो आपका चेंजेस लाए जा सकते हैं। सबसे पहले मिनरल्स, फिर उसके बाद केमिकल्स, सीड्स, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के साथ साथ एकदम बात करें तो मेडिसिन। मेडिसिन में चेंज ला सकते हैं और भी एक तरीके से कई ऐसे हैं जैसे आपका मेटल, इनमें आप क्या कर सकते हैं चेंजेज ला सकते हैं किसकी सहायता से। ये जो चेंजेज हैं आप किसकी सहायता से ला सकते हैं, आप केमिस्ट्री की सहायता से ला सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल साइंस है इसके माध्यम से इन चीज़ों को आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे मिनरल्स को डेवलप कर सकते हैं। आज आप देखोगे कहीं ना कहीं जो मिनरल्स हैं जो है उनकी संख्या लगातार कैसी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो आपके साइंटिस्ट है उसमें क्या करते हैं मिनरल्स को हमेशा इस पर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कोई ना कोई चेंजेस लाते रहते हैं। दूसरा केमिकल्स में चेंजेस लाते रहते हैं, नए नए एक तरीके से जो आपका केमिकल जो है चेंजेस के माध्यम से जो है आपके इसमें चेंज आते रहते हैं। दूसरा एक तरीके से सीड्स, नए नए सीड्स को तैयार करते रहते हैं, हाई एड सिस्टम मतलब हाइब्रिड जो सीड्स हैं उनको इस्तेमाल बनाते रहते हैं। एग्रीकल्चर की नई नई जो एक तरीके से जो कह सकते हो हर्ब्स को श्रब्स को तैयार करने के लिए या उसमें एक तरीके से जो भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए कुछ पॉइजनस और कुछ एक तरीके से कैसी फर्टिलाइजर से संबंधित जो है आपके केमिकल बनाते रहते हैं। दूसरा आपका मेडिकल या मेडिसिन के मामले में भी इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चलते रहते हैं, जैसे कई मेडिसिन होती हैं तो उनमें क्या ये अपने जो है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से मेडिसिन को डेवलप करते रहते हैं। आपके मेटलिक जो होते हैं मेटल, नए नए मेटल्स को नए नए तरीके से इन्वॉल्व करने के बाद उनको जो है नए बेमय तैयार करते रहते हैं। तो ये एक तरीके से क्या केमिस्ट्री या एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल साइंस की सहायता से ही संभव हो पाया है। गाइस ये क्या था आपका एक्सपेरिमेंटल साइंस है। तो गाइस इसमें और भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है, देखते हैं थोड़ा इसके बारे में आगे। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री की एकदम बात करें तो इसमें हमें बहुत सी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी या समझने को मिलेंगी। तो सबसे पहले एकदम बात करें इसमें तो नाम आएगा नागार्जुन का। किसका नाम आएगा, एक तरीके से आपका आचार्य नागार्जुन। नागार्जुन इनके बारे में हम बात करें तो ये एक तरीके से इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, तो ये कहाँ से थे, नालंदा यूनिवर्सिटी। कहाँ से थे ये, नालंदा। आचार्य नागार्जुन की एकदम बात करें तो ये बिलोंग करते थे किस, नालंदा यूनिवर्सिटी से, और इनके द्वारा दो बुक्स लिखी गई थी। एक का नाम था रास रत्नाकर। सबसे पहले एक बुक्स लिखी गई थी, फर्स्ट इज रास रत्ना, फर्स्ट बुक का नाम क्या था आपका रास रत्नाकर, और दूसरा था आरोग्य मंजरी। दूसरी बुक का नाम क्या था गाइस, आरोग्य मंजरी। आरोग्य मंजरी, ये जो दो बुक्स थी जो किसके द्वारा लिखी गई थी, आपकी आचार्य नागार्जुन के द्वारा। गाइस अब बात आ जाती है नागार्जुन के बारे में, तो इन्हें हम देखते हैं जैसे इन्होंने क्या किया था, द यूज ऑफ एलोपैथी अलोंग विद द हर्बल मेडिसिन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एलोपैथी के साथ साथ जो है हर्बल मेडिसिन को जो है इस्तेमाल करने का कोशिश की थी, एलोपैथी और हर्बल। एलोपैथी ऑफ एंड हर्बल,
तो इन्होंने क्या किया, इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, किसके द्वारा, आचार्य नागार्जुन के द्वारा। नेक्स्ट इसी के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। यदि हम मेडिसिन के साथ साथ और बात करें तो द कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा रिफ्लेक्ट एन एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, इट इज स्टेबलाइज इन सुल्तानगंज इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। यदि हम दूसरा इसी केमिस्ट्री के बारे में और बात करें तो एक स्टैचू है, किसका, गौतम बुद्ध का, स्टैचू ऑफ बुद्धा, कहां पर है, भागलपुर। कहां पर है ये, भागलपुर, जो कि बिहार में है। स्टैचू ऑफ बुद्धा जो कि बिहार में है, भागलपुर में है, ये जो एक तरीके से क्या है, हमारी केमिस्ट्री जो एक तरीके से केमिस्ट्री है, या हम कह सकते हैं जो सिस्टमेटिक चेंजेस इन द केमिकल के माध्यम से, या मेटल में जो सिस्टमेटिक चेंजेस किए जाते हैं उनके द्वारा जो एक तरीके से डेवलप किया गया एक स्टैचू है, जो कि गौतम बुद्ध का है, भागलपुर जो है डिस्ट्रिक्ट है एक आपकी, जो बिहार में है, वहाँ पर पाया गया है, जो कि बहुत ही ओल्डेस्ट है, यह हम कह सकते हैं, इस पर हमें बहुत बड़ा गर्व है। एक तरीके से ये क्या है, एक तरीके से कहाँ पर है आपका, सुल्तानगंज में है। कहाँ पर है, सुल्तानगंज। ये आपका बिहार का है, ये सब बिहार से संबंधित है। तो गाइस इन सब के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि लगभग इस जो स्टैचू है इसकी जो हाइट है वो कितनी रही होगी, लगभग 7.5 7.5 feet है। लेकिन अपने आप में क्या है, ये हमें एंशिएंट केमिस्ट्री के बारे में जानकारी देने में बहुत कुछ कह देता है, या एक तरीके से पूरी तरीके से हमारी जो एंशिएंट केमिकल टेक्नोलॉजी है उसको जो है रिसर्च करने में ये बहुत बड़ा योगदान देता है, या हम कह सकते हैं इसके माध्यम से ये पता चलता है कि हम एंशिएंट टाइम में भी कितने डेवलप थे। दूसरा यदि हम इसकी बात करें तो ये जो एक तरीके से कहीं ना कहीं इसका जो वजन है वो 7 tons है, और इसको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के माध्यम से बनवाया गया था। इसका वेट कितना है, 7 tons, और इसको बनवाया किसके द्वारा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के माध्यम से इसको बनवाया गया था। तो ये था एक तरीके से हमारी केमिस्ट्री के बारे में, या केमिकल जो एक तरीके से जो फर्टिलिटी है एक तरीके से इन सब के बारे में, कि किस तरीके से केमिकल फर्नेंस के द्वारा, या केमिकल फर्नेंस के द्वारा हमारे द्वारा कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, या केमिकल फर्नेंस के माध्यम से हमने इन एंशिएंट टाइम में कौन कौन सी उपलब्धियों को प्राप्त किया है। तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं उससे संबंधित आपको जानकारी देता है। नेक्स्ट इसी में आपका जाता है साइंस एंड मेडिसिन। इसी में आपको एक और टॉपिक लेके चलता हूँ, एक सब्जेक्ट और आपको इसी में संबंधित जो आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। गाइस नेक्स्ट आपका जो है वो है साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, यदि हम इसकी बात करें तो नाम आपने सुना होगा महर्षि चरक का, महर्षि सुश्रुत का, और महर्षि बाघभट्ट का। किसका, महर्षि चरक। महर्षि सुश्रुत, महर्षि बाघभट्ट, ये एक तरीके से क्या थे हमारे, किससे संबंधित है, ये तीनों जो एक तरीके से विद्वान जो थे कहीं ना कहीं हमारी मेडिक
सर्जिकल एंड सर्जरी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ये हमारी मेडिसिन एंड सर्जरी से संबंधित थे। और ये एक तरीके से हमारी इंडियन जो सर्जरी थी या इंडियन जो साइंस थी या इंडियन जो एक तरीके से मेडिसिन साइंस से संबंधित थी, हमारे पायनियर बोले जाते हैं, ये एक तरीके से हमारे बहुत बड़े अगुवा बोले जाते हैं, हमारे इसको एक आगे ले जाने वाले बहुत महान लोग बोले जाते हैं, जिन्होंने अपनी बुक्स के माध्यम से क्या किया था, अपनी बुक्स के माध्यम से क्या किया था, जो सर्जरी थी इससे रहस्य उठाए थे, इससे कई तरीके के रहस्य उठाए थे। ये जो मेडिसिन थी इसमें इन्होंने बहुत बड़े योगदान दिए थे। जैसे कि आपकी महर्षि चरक ने क्या किया, एक तरीके से चरक संहिता, एक तरीके से किसका, एक तरीके से चरक संहिता के माध्यम से एक तरीके से क्या किया, लोगों को इंस्पायर किया, या मेडिसिन से संबंधित जो है जो भी फैक्ट थे उसको लिखने का कार्य किया। किसके माध्यम से? चरक संहिता। दूसरे आपकी महर्षि सुश्रुत संहिता, थर्ड आपके एक तरीके से जो बागभट, बागभटी के माध्यम से, बागभटी के माध्यम से इन्होंने क्या किया, अपनी जो एक तरीके से जीवन भर के जो अमूल्य आगे इनके जो मेडिसिकल से संबंधित या सर्जरी से संबंधित जो फैक्ट थे उसको इन्होंने अपनी बुक्स के माध्यम से क्या किया, एक तरीके से हमें दिया, या हम कह सकते हैं एंशियंट जो इंडियन हेरिटेज था उसके माध्यम से या अपनी बुक्स के माध्यम से आज की जनरेशन को क्या किया इन्होंने, ये पढ़ाया कि हर्बल मेडिसिन क्या होती हैं, है ना, हर्बल के साथ साथ आयुर्वेदा क्या होता है। कहीं ना कहीं ये क्या थे, हमें हर्बल के साथ साथ एक तरीके से एलोपैथी और आयुर्वेदा के बारे में बताने वाले भी महान लोग थे, जिन्होंने एक तरीके से एंशियंट जो इंडियन हेरिटेज को गौरवान्वित करने का मौका दिया। एक तरीके से इन्होंने तीनों ने क्या किया, आयुर्वेदा से संबंधित, से संबंधित या हर्बल से संबंधित जो है अपना योगदान दिया, जो कि आज भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इन्होंने अपने स्किलफुल तरीके से क्या किया, कई चीज़ों को ऑपरेट किया, ऑपरेशन किया, जैसे ऑब्डोमेन की ऑपरेशन, दूसरा किडनी का ऑपरेशन, तीसरा आपका जैसे कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन, हार्निया का ऑपरेशन, इन सब के माध्यम से एक तरीके से इन्होंने क्या किया, ये दिखाने की कोशिश की कि जो एंशियंट इंडियन जो आपका हेरिटेज है वो कैसा है, बहुत ही दुर्लभ है, कहने के ऑल ओवर वर्ल्ड में वो अपनी एक अलग पहचान रखता है गाइस। दूसरा एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये इन्होंने क्या किया, अपने जो अपने तरीके से वेटरनिटी साइंस में भी अपने आप को क्या किया था, डेवलप किया था। इंडियन एक तरीके से जो मेडिसिन थी उसके अंतर्गत इन्होंने वेटरनिटी साइंस को भी इम्प्रूव करने का जो कार्य किया, जैसे कि आपका हॉर्स है, हाथी है, एलिफेंट है, तो इनको भी एक तरीके से इन्होंने क्या किया, सही करने में योगदान दिया था। इनकी भी साइंस के माध्यम से या मेडिसिन के माध्यम से या सर्जरी के माध्यम से जो है सही करने की जो है रणनीति तैयार की थी, या इसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। दूसरा बागभट्ट की एकदम बात करें तो आष्टांग हृदय या एक तरीके से डायग्नोसिस को करने का रास्ता भी बताया था। किसके द्वारा, किसके द्वारा, एक तरीके से बागभट्ट के द्वारा, किसके द्वारा, वाणभट्ट के द्वारा, इन्होंने जो एक तरीके से आष्टांग के माध्यम से या आष्टांग हृदय के माध्यम से इन्होंने क्या किया, डायग्नोसिस को जो है कहीं ना कहीं जीवांत किया, या हम कह सकते हैं डायग्नोसिस का रास्ता बताया या डायग्नोसिस के बारे में जानकारी दी। किसके बारे में, डायग्नोसिस जो है किसके ने दी, बाणभट्ट के। तो ये थे आज के लिए गाइस, आज का लेक्चर जो है कहीं ना कहीं हम आपको यहीं समाप्त करते हैं। सेकेंड लेक्चर में आगे के बारे में आपको बताऊंगा। सेकेंड लेक्चर में कहीं ना कहीं मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और साथ में एक तरीके से वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी दूंगा गाइस। और तब तक के लिए नमस्कार।